फाइनली अब इस वर्ल्ड में एक ऐसी ऐप आ चुकी है जो आपको किसी भी प्रोडक्ट के बार कोड से डिटेक्ट करके बता देगी कि ये प्रोडक्ट यहूदी प्रोडक्ट से कनेक्टेड है या नहीं। इस एप्लीकेशन का नाम है नो थैंक्स, जो एंड्रॉइड और एप्पल यूजर्स दोनों के लिए है। और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फलस्तीन के ग्रेजुएटेड स्टूडेंट अहमद बशबश ने। अब इतनी सहूलत आ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग बॉयकॉट नहीं करते हो तो लानत है तुम लोगों के ऊपर। तो मैंने इस एप्लीकेशन को प्रॉपर चेक किया तो रिजल्ट मुझे ये मिले कि ये एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हो तो ये 110% परफेक्टली वर्क करेगी। और पाकिस्तान में इस एप्लीकेशन में थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मेड है, लेकिन नेम वो उन्हीं ब्रांड का यूज कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट है उन पर बार कोड अलग है और नेम उन्हीं ब्रांड का यूज हुआ हुआ है। मतलब फंडिंग फिर भी जा रही है, कोई भी ब्रांड अपना नाम ऐसी फजूल में नहीं दे रहा। तो बेहतर है दो बार बार कोड को स्कैन किया जाए। दूसरा ये कि मैं समझ रही थी लेमन मैक्स पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी तो है लेकिन एफिलेटेड है अमेरिका की कंपनी के साथ। और आजकल ब्लॉगर्स और एक्टर्स के जरिए से लेमन मैक्स इतनी प्रमोशन करवा रहे हैं और ये प्रमोट कर भी रहे बिना कुछ सर्च किए, मतलब शर्म आनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट भी बायकॉट लिस्ट में है, आप ये देख सकते हैं, एफिलेटेड है अमेरिका से। खुद गूगल भी कर लो विच कंट्री ओन्स लेमन मैक्स। तो अगर कोई प्रोडक्ट एफिलेटेड भी है तो भी ये उसे डिटेक्ट करके बता देगा। और इस मार्ट में मुझे ज्यादातर प्रोडक्ट बायकॉट लिस्टेड ही नजर आया। मैंने कहा चलो पैड्स चेक कर लेते, तो बटरफ्लाई पैड पाकिस्तानी है और ऑलवेज पेड बायकॉट लिस्ट में। तो इसीलिए अभी फौरन इस ऐप को डाउनलोड करो। ऐप का नाम है नो थैंक्स। ये ऐप ऐसे ही फजूल में उठा के नहीं बनाई गई है, हर चीज का प्रूफ भी शो करते हैं पूरी तरीके से कि ये किस तरह से एफिलेटेड है और किस तरह से लिंक हुआ है ये प्रोडक्ट बायकॉट लिस्ट। तो जब आप ये ऐप डाउनलोड करोगे तो हर चीज आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब जो लोग कह रहे थे कि टैग बायकॉट लिस्ट में नहीं है तो आप खुद देख लो, बाकी जो प्रोडक्ट पाकिस्तानी मेड है और उन पर नेम उसी ब्रांड का यूज किया हुआ है जो कि बायकॉट लिस्ट में, तो वो भी आपको यूज नहीं करना क्योंकि वो प्रोडक्ट्स एफिलेटेड होते हैं और उनकी फंडिंग जाती है। और बायकॉट से इतना फर्क पड़ता है, आज मैंने न्यूज देखी है कि मलेशिया में बायकॉट की वजह से एक केएफसी बंद हो गया। आप लोग खुद समझ सकते हो कि बायकॉट से कितना फर्क पड़ता है। और ये भी एक जिहाद ही है, चाहे कम दर्जे की ही जिहाद क्यों ना सही, लेकिन कम अज कम इस जिहाद में हिस्सा तो लो ताकि आखिरत में अल्लाह के सामने कुछ तो कहने के काबिल रहो कि हमने कोशिश तो की थी। और अगर इतना भी नहीं होता तो खुद को मुसलमान समझना छोड़ दो, क्योंकि मुस्लिम और मुनाफिक में फर्क इतना है, मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ में साथ खड़ा होता है।